प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं है, मोटी फीस लगती है। प्राइवेट स्कूलों की फीस से ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं। ऐसे में अगर मैं आपको कहूं कि प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और इसके लिए एक भी पैसा आपको खर्च नहीं करना होगा, तो आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। अपने बच्चे को आप प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल फ्री में पढ़ा सकते हैं। आपके बच्चे की पढ़ाई का सारा खर्च सरकार उठाएगी, पर इसके लिए आपको सरकारी शर्तों को मानना होगा, आवेदन फॉर्म भरना होगा। क्या क्या करना होगा इसके लिए आपको बताते हैं पूरा प्रोसेस। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। लेकिन प्रोसेस जानने से पहले ये जान लीजिए कि ये मौका 3 अप्रैल से 21 अप्रैल तक ही होगा। सरकार 23 अप्रैल को लॉटरी निकालेगी। इस लॉटरी में जिन स्टूडेंट्स का नंबर आएगा वो स्टूडेंट्स पेरेंट्स के द्वारा चुने हुए प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल फ्री में पढ़ सकेंगे। सरकार हर साल फ्री एजुकेशन के तहत आवेदन मांगती है। इसमें आप जिस भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं उस स्कूल का फॉर्म आपको भरना होगा। इसके बाद लॉटरी की प्रोसेस होगी। जिस दिन लॉटरी का रिजल्ट आएगा उस दिन आपको चेक करना होगा कि आपके बच्चे का नंबर संबंधित प्राइवेट स्कूल में आया है या नहीं। अगर आपके बच्चे का स्कूल में नंबर आ जाता है तो सरकार उस प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी। राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE स्कीम के तहत स्कूल में अलग अलग क्लास में एडमिशन के लिए आयु सीमा की 4 कैटेगरी हैं। KG, LKG, UKG एंड फर्स्ट क्लास। KG 3+ 3 साल या उससे ज्यादा लेकिन 4 साल से कम उम्र के बच्चे का एडमिशन इसके अंदर आता है। LKG यानी कि 4+ 3 साल 6 महीने या उससे ज्यादा लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चे का एडमिशन इस कैटेगरी में आता है। UKG 5+ 4 साल 6 महीने या उससे ज्यादा लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चे का एडमिशन इस कैटेगरी में होगा। और बात करें क्लास फर्स्ट की तो 5 साल से ज्यादा लेकिन 7 साल से कम उम्र के बच्चे का एडमिशन इस कैटेगरी में होगा। पर शर्त है कि अगर आप अपने बच्चे को RTE से एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो आपकी एनुअल इनकम यानी कि सालाना सैलरी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, यानी आप EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आने चाहिए। फ्री एजुकेशन लेने के लिए बच्चे के माता पिता की एनुअल इनकम का सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर बच्चे के माता पिता नहीं हैं तो वो अनाथालय में पाला है और उसको अनाथालय सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। बच्चा दिव्यांग या स्पेशल चाइल्ड है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। अगर HIV पॉजिटिव पेरेंट्स हैं तो सर्टिफाइड डायग्नोसिस सेंटर की रिपोर्ट और BPL कार्ड जरूर लगाना होगा। आवेदन ऑनलाइन करना होगा। इसके लिए आप नीचे दी गई वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन /student login पर क्लिक करना होगा। इसके बाद कॉमन इन्फॉर्मेशन भरकर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड कर देना है। अब आपको अपने बच्चे की क्लास और 5 स्कूलों को सेलेक्ट करना है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में भरी गई सारी जानकारी को क्रॉस चेक कर लेना है, फिर उसे सबमिट कर देना है। आवेदन का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है और लॉटरी का इंतजार करना है। आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो देखने के लिए श्रेष्ठ उत्तराखंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।